अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस फूड से आज क्या करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ एक टी टाइम स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बनाना मफिन। चले आए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑल पर्पस फ्लावर ले लेंगे। एक कप एंड 1/4 कप लेवल करके 3/4 कप शुगर, 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें वेट इंग्रेडिएंट मिलाते हैं। अब इसके जो वेट इंग्रेडिएंट है वो हम इसमें डाल देते हैं। ये मैंने 2 बनाना लिए हैं और इसको मैश कर लिया है। सबसे ज़्यादा जो ज़रा पक्के हुए केले थे उनको लेके मैंने इसको मैश कर लिया है। ये मैं इसमें डाल देती हूँ। बटर मिल्क, ये 1/2 कप था बटर मिल्क, और ये 1/4 कप शॉर्टनिंग। वनीला एक्सट्रैक्ट डालती हूँ 1 टीस्पून, सॉरी। अब इसको लो स्पीड पे हम इसको बीट कर देंगे। इसमें 1 अंडा डालेंगे। बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, थोड़ा ही इसको बीट करना है कि बस ये अच्छी तरह से सब मिक्स हो जाए। मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ चारों तरफ से। अब ये मेरे पास आइसक्रीम स्कूप है, इसकी मदद से मैं इसमें मफिन पैन में ये बैटर डाल दूंगी। और मैंने इसमें मफिन पैन में ये लाइनर लगा लिए हैं सब में। ये 12 का है मफिन पैन, इसमें मैं इसकी मदद से डाल देती हूँ। मेरा ओवन भी प्रीहीट हो गया है और चले मेरा ये बैटर भी बन गया है, रेडी हो गया है। ये क्वांटिटी 12 मफिन पैन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम 350 पर तकरीबन 25-30 मिनट के लिए बेक करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में 25 मिनट में ही हो जाएंगे। मैं इसमें रख देती हूँ। मैंने मीडियम पे रखा है, मीडियम वाई रैक पर। ये देखिए, ये मफिन को होते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं
और ये काफ़ी जो है बेक हो गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं हुए हैं, अभी ये ऊपर से ब्राउन भी नहीं हुए हैं। अभी मैं इसमें इसका वो ढकना नहीं खोलूँगी और इसको चेक नहीं करूँगी, ज़रा ये थोड़ा ऊपर से और ब्राउन हो जाए, तो उसके बाद मैं इसको चेक करके फिर निकालूँगी। तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। मैंने इस केक टेस्टर की मदद से इसको चेक कर लिया और ये बिल्कुल साफ निकला है, तो इसका मतलब है ये हो गए हैं और 25 मिनट भी हो गए हैं। चले मैं इसको इसमें से निकाल, ये देखें ये बिल्कुल रेडी है। ये केक टेस्टर की मदद से मैं इसको चेक कर लेती हूँ, ये बिल्कुल क्लीन है, ये देखें और ये ब्राउन भी हो गए हैं। ये देखिए इसका फाइनल लुक, ये बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए, ये एक मेरे पास मफ़िन का कंटेनर है, ये मैंने डॉलर स्टोर से ही लिया था, इसमें 9 मफ़िन आ जाते हैं, लेकिन ये तो 12 है, लेकिन ये क्या खैर इसमें रख लेंगे तो ये इसको आसानी हम स्टोर कर सकते हैं और कहीं भी काउंटर पे रख सकते हैं और आसानी से यूज़ कर सकते हैं। चलती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।